नमस्कार मेरे दोस्त, मैं आपको आज परत गुटिका की सत्यता एवं रहस्य से अवगत कराने जा रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी फोन आते हैं और लोगों की जिज्ञासा है कि सर आप भूभक्षित परत गुटिका के ऊपर और पारा के ऊपर जो सोनी भाव आती है इसकी सत्यता से हमको अवगत कराएं कि क्या कारण है और किस कारण से आती है और क्या मार्केट में परोसा जा रहा है। तो आइए मैं सर्वप्रथम आपको पारे के स्वर्णिम आभा से अवगत कराता हूँ। पारे के स्वर्णिम आभा है क्या? देखिए, पारे के 9 संस्कार हैं अनुवासन तक। जब पारे का 7वां संस्कार है जिसको उदरपातन संस्कार बोलते हैं, जब उस संस्कार को पारे को कराया जाता है यानी पारे को ताम्र के चूर्ण के साथ घोट करके कंडेंसर में उड़ाया जाता है तो पारा ताम्र की विद्युत तांबे की विद्युत शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है जिसके कारण उसके अंदर स्वर्णिम आभा आ जाती है। मगर आजकल ये देखने में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति इन संस्कारों को नहीं करता, व्यक्ति पारे के अंदर स्वर्णिम कलर लाने के लिए कच्चा ताम्र मिला रहे हैं जो कि व्यक्तियों के जीवन से खिलवाड़ है और बहुत ही खतरनाक कार्य है। अब इस कच्चे ताम्र का क्या प्रयोग किया जा रहा है बाजार में, आइए मैं आपको इससे अवगत कराता हूँ। उसका प्रयोग किया जा रहा है भूभक्षित गुटिकाओं के लिए। अभी भूभक्षित गुटिका क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ। जो भी व्यक्ति भूभक्षित गुटिका खरीदे उनको मैं कुछ नॉर्म्स बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखें, उनको ध्यान रख करके गुटिकाओं को खरीदें। सर्वप्रथम तो भूभक्षित गुटिका बनाते समय व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि पारे के अंदर चांदी मिला करके उसके साथ कच्चा ताम्र मिला रहे हैं। ये दोनों चीज़ें कच्ची हैं और जब इसके अंदर ये घुटता है तो पारे के अंदर स्वर्णिम आभा स्वतः आ जाती है ताम्र की वजह से, और जो पारे की गुटिका बनती है वो कच्ची रहती है, पकती नहीं है। मैंने कई गुटिकाएँ देखी हैं जिसके अंदर ये देखा गया कि पारे की गुटिका में यदि आप नाखून लगाएंगे जोर से तो नाखून का निशान नजर आएगा आपको पारे गुटिका के अंदर। आप उंगली से खर्चेंगे उस गुटिका को, रगड़ेंगे उंगली से खर्चेंगे नाखून से तो पारा उतरता है। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सी जगह कहा गया है पारद गुटिका को घर पर रखना चाहिए, उसका अभिषेक करना चाहिए, जो भूभक्षित गुटिका है इसको गले में नहीं पहनना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं पहनना चाहिए। यदि पारद गुटिका पूर्ण तरह से पकी हुई है, चाहे वो भूभक्षित हो चाहे औषधिबद्ध हो, तो उसको आप गले में पहन सकते हैं, दूध में पी सकते हैं। मगर सावधान, यदि गुटिका कच्ची है, नाखून से उतरती है, उसमें नाखून जाता है, तो उसमें दो धातुएं, एक रजत और एक ताम्र, रजत भी नुकसानदायक है और ताम्र भी नुकसानदायक है। ताम्र के माध्यम से यदि उस गुटिका का जल यदि आपने पी लिया और वो जल आपके शरीर में गया तो आपके किडनी और लीवर डैमेज होने के 100% चांसेस हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ यदि आपने उस पर चढ़ाया गया दूध या अभिषेक किया गया जल या पंचामृत का सेवन किया, क्योंकि पारा कभी भी निकल करके फिसल करके किसी भी रूप में उसमें मिक्स हो सकता है, और वो जल जो अभिषेक का दूध है या पंचामृत बच्चा भी पीता है बड़े भी पीते हैं तो अंदर जाकर के आपके किडनी लीवर को डैमेज करने के 100% चांसेस बनाता है। ये ध्यान रखें, पारे की स्वर्णिम आभा पर ना जाकर के, पारद गुटिका के भूभक्षण पर ना जाकर के पहले ये पता करें कि पारद गुटिका कच्ची तो नहीं है, उसमें कहीं नाखून तो नहीं जाता, उसका कहीं पारा तो नहीं उतरता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिनकी गुटिका कच्ची होती है अधिकतर वो लोग पारद गुटिका को गले में धारण करने से मना कर देते हैं और कहते हैं इसको एक स्थान पर रख करके उसका पूजन करें, उसका अभिषेक करें, उसका जल लें। तो ये आप विचार करें मेरे दोस्तों। अब मेरे पास फोन आया कि ये पारद गुटिका के लिए या पारद शिवलिंग के ज्वेलरी कौन सी अच्छी रहती है सर जी। तो देखिए, भगवान शंकर ने एक व्यक्तित्व ने बड़ा एक दोहा बोला, भगवान ने बड़ा प्रिय दोहा है वो, हे पार्वती तो रस गंधक मोरस पारा, हे पार्वती तो तुम्हारा रज है वो तो गंधक है और जो मेरा रस है मेरा वीर्य है वो पारा। मतलब पारे का जो संबंध है, पारे का जो परम प्रिय साथी है वो है सल्फर यानी गंधक। यदि गंधक की बनी हुई जलेरी में पारद गुटिका या पारद शिवलिंग को रखकर के पूजन किया जाएगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। मगर अभी मैं देख रहा हूँ सल्फर से बनी हुई जलेरी जो ओरिजिनल जलेरी बनती है वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो आप यदि इसको बनाने में या इसको मंगवाने में सामर्थ्यवान ना हो तो आप अष्ट धातु से बनी हुई जलेरी में पारद शिवलिंग को रखकर के पूजन करें। यदि आपका सामर्थ्य अष्ट धातु की जलेरी में भी करने का नहीं हो तो आप पीतल से बनी हुई जलेरी में रख करके इसके पूजन करें,
और यदि आप पीतल से बनी हुई जलेरी को भी रखने में सामर्थ्यवान ना हो तो आप पत्थर से बनी हुई जलेरी पर ही पारस शिवलिंग को रखकर के पूजन करें, क्योंकि पारस शिवलिंग स्वमेव एक ऊर्जा का स्रोत है। पारस गुटिका स्वमेव एक ऊर्जा का स्रोत है। हमारी संस्था मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, मेरे गुरुदेव और मैं दोनों की लगन से, जो हम 15 वर्षों से गुटिका बनाते आ रहे हैं, औषधिबद्ध और भूभक्षित दोनों ही औषधि के माध्यम से बद्ध है। औषधिबद्ध गुटिका का खास यह है कि उसमें 99.9% मरकुरी है और औषधि का मिश्रण है और कोई अन्य धातु उसमें नहीं मिलेगी। आप चाहें हमारी गुटिकाओं को लेबोरेटरी में चेक करा सकते हैं। और जो भूभक्षित गुटिका बनती है उसमें गुरुदेव के आशीर्वाद से औषधि के साथ भस्म का जारण है। वो जारण होने के बाद उस गुटिका को आप बच्चे को पिलाइए, आप बुजुर्ग को पिलाइए। हमारी गुटिका में ना तो पारा उतरता है ना नाखून जाता है, चाहे वो भूभक्षित गुटिका हो चाहे औषधिबद्ध हो। दोनों ही गुटिका आपको पूर्ण संस्कार 9 संस्कार तक की हुई मिलेंगी। आप इस गुटिका को दूध में उबाल के पी सकते हैं। इस गुटिका के दूध को 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 80 वर्ष तक के बुजुर्ग पिता समान व्यक्ति को पिला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरा मंतव्य यही था कि मैं आप सबको सत्यता से अवगत कराऊं, क्योंकि मैं देख रहा हूं स्वर्णिम अवा के पीछे, भूभक्षित गुटिकाओं के पीछे लोग भाग रहे हैं। सो गुटिका सर, पारा आपकी गुटिका चांदी खा जाती है क्या, आपकी गुटिका सोना खा जाती है क्या? तो इसका पारे का जो मूलभूत स्वभाव है वो यही तो है। पारे के अंदर सभी प्रकार के धातुएं विलय हो जाती है। आप कच्चा पारा लाइए बाजार से, चाहे वो अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, किसी भी कंपनी का, आप उस पर चांदी का वर्क रखें और रख करके कुछ देर छोड़ दें तो ऑटोमेटिक पारा अपने अंदर उस वर्क को खींच लेगा। क्योंकि पारे के अंदर ये गुण है कि वो सब धातुओं को अपने अंदर विलय कर लेता है, केवल अवरक को छोड़ करके। तो दोस्तों, आप कहीं से भी लें, किसी प्रकार से लें, इस बात का ध्यान रखें कहीं आपके जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, आप कहीं कच्ची गुटिकाओं की पूजन तो नहीं कर रहे हैं, या आप कच्ची गुटिकाओं को तो नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि कच्ची गुटिका और कच्चा पारा मनुष्य के शरीर को तोड़ देता है। आपको किडनी और लीवर डैमेज होने का 100% चांसेस रहेगा। यदि कच्चा पारा बदन में चला गया तो ब्रेन हेमरेज होने तक का भी संभावना है। यदि आप और कुछ विषय में मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7044-15950 पर संपर्क करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एक गुट्टी का और तैयार कर रहे हैं लोग बाग आजकल। हमारे YouTube चैनल पर एक अजीत मौलिक जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी कुछ अवगत कराया लोगों को कि औषधिबद्ध गुटिकाओं में क्या अंतर है और नीले वाली गुटिकाओं में क्या अंतर है। तो आजकल बाजार में जो परोसी जा रही है गुटिकाएं, वो लेड, जिंक, टीन और केडियम, ये 4 धातुओं से मिली हुई गुटिकाएं परोसी जा रही हैं। और एक बन रही है नीले तोते से, नीले से बनी हुई गुटिका जो कि जहर है। यदि किसी ने गलती से भी उसका जल भी पी लिया तो आपके पेट के अंदर की जो आते हैं वो फट जाएगी। दोस्तों, आप सावधान रहें और सोच विचार करके ही गुटिकाओं को लें और ये जांच लें कि गुटिकाएं कच्ची तो नहीं है, नीले से बनी हुई तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 7044-15950। आप इस पर संपर्क करके मुझसे और कुछ जान सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।